दिल्ली के महरौली में चार हत्याओं से सनसनी फैल गई है। आरोप है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्यूशन पढ़ाता है और वो काफी परेशान चल रहा था। आरोप है कि पति ने देर रात चाकू से अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी, जिसमें दो लड़के और एक लड़की शामिल है। लड़की की उम्र 7 साल की थी, जबकि एक बेटे की उम्र 5 साल और दूसरा बेटा सिर्फ 3 महीने का था। घटनास्थल से आरोपी की एक चिट्ठी मिली है, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल की है। दिल्ली का ये मामला है जहां पर एक आदमी पर अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या का आरोप लगा है और बेहद ही बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया। चाकू से तीनों का गला काट दिया गया और मासूम बच्चे भी इसमें शामिल थे, जिसमें एक 3 महीने का बच्चा था। हालांकि उसने एक चिट्ठी लिखी और उसमें ये बात उसने कबूल की है कि इस हत्या को उसी ने ही अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस आदमी ने ये कदम क्यों उठाया। जो चिट्ठी है उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि वो काफ़ी लंबे समय से परेशान था, ट्यूशन पढ़ाने का काम वो करता था। दिल्ली का ये पूरा मामला है जहाँ पर पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। अंदर देखा कि यहाँ वहाँ लाशें पड़ी हुई थी, ब्लडी ब्लड हो रखा था चारों तरफ। पता नहीं चल पा रहा था कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्थिति की जानकारी के बाद पता चला कि मिस्टर उपेंद्र जी, जो कि घर के ओनर हैं, वो बदहोश आवाज में पड़े हुए थे। और एक पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला, 2:20 पर सुसाइड नोट लिखा गया, लाल स्याही से लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने 3 बच्चों और वाइफ का मतलब खून कर रहा हूँ। वजह नहीं लिखी गई थी उसमें कि किस वजह से वो ऐसा काम कर रहा है। वो भी काफ़ी मतलब डिप्रेशन में था, उसने पुलिस को बताया कि मैं डिप्रेशन में था जिस वजह से हुआ। इसमें जिसके द्वारा मर्डर हुआ है वो एक पत्थर काटने वाली मशीन होती है ग्राइंडर, उसके द्वारा गला काटा गया है।